रेगिस्तान की भूमि भले ही बंजर हो लेकिन प्रकृति ने यहाँ पर कुछ अनमोल सौगात लोगों को प्रदान किए हैं। इन दिनों जहाँ क्षेत्र में कैर सांगरी जैसी सब्जियों के साथ छोटे आकार के रंग बिरंगे पीलू बरबस ही लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच मारवाड़ी मेवा के नाम से प्रसिद्ध पीलू की बहार फिलहाल है। मीठे रस से भरे इस फल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे अकेला खाते ही जीभ छिल जाती है, लेकिन एक साथ 8-10 पीलू खाने से मुंह नहीं छिलता। इतना ही नहीं, इस फल बहार मौसम की भविष्यवाणी से भी जुड़ी है। मारवाड़ में ऐसी मान्यता है कि जिस वर्ष पीलू की जोरदार बहार आती है उस वर्ष जमाना अच्छा होता है। इस बार पीलू की जोरदार उपज हुई है, ऐसे में लोगों का मानना है कि इस बार मारवाड़ में अच्छी बारिश होगी। पीलू के दिनों की शुरुआत होती है तो जाल के बरक्सर पीलू की बौसार साने लगती है। क्षेत्र में पीलू सूखे मेवे के नाम से जाने जाते हैं। पीलू को एक साथ खाया जाता है जबकि अलग अलग खाने से उसका स्वाद है वो कम हो जाता है। पीलू की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि पीलू जाल पर ज़्यादा आ जाने से और हरियाली साने से क्षेत्र में अच्छे जमाने के संकेत दिए जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को भी एक रोजगार का साधन उपलब्ध कराता है। पीलू बाजार में प्रति किलो के हिसाब से 500 से 600 रुपए के हिसाब से बाजार में बिकते नजर आते हैं। ऐसे में क्षेत्र में पीलू है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का साधन उपलब्ध कराता है। ओम प्रकाश कुमार, A1 TV, चितलवाना।